अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, जिसके लिए मैंने पानी को उबाल किया। आधा से चावल मैंने आधा घंटा पहले भी गोए, और उसमें पानी में मैंने साबुत मसाले गर्म से, जिसमें बादियान का फूल, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक वगैरह डाल के इसे मैंने उबाइल करने के लिए रख दिया। जब पानी उबाल आया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया। साथ ही मैं दूसरे चूल्हे पर बनाऊँगी इसकी ग्रेवी, इसका कौरमा, जिसमें मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, उसमें प्याज डाला। तो जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। साथ साथ ही मैं सारे काम, कटिंग वगैरह साथ ही कर रही थी। इस तरह यहाँ के टाइम भी बचत हो जाती है, टाइम भी बच जाता है और काम भी सारे साथ साथ निपट जाते हैं। तो बाकी साथ जब मैंने थोड़ा सा प्याज ब्राउन हुआ, उसमें फिर मैंने टमाटर कटिंग की है, उसमें वो टमाटर वगैरह ऐड करके साथ ही मैं पुदीना वगैरह इसमें ऐड करूँगी। और ये साथ साथ मैं कुछ चीज़ें वगैरह जो ख़त्म हुई थी शिफ्टिंग की है, तो कुछ चीज़ें जो ख़त्म थी वो मंगवाई, वो सारे डिब्बों में डालूँगी। और इंशाल्लाह मैं होम टूर भी बहुत जल्दी दूँगी। और ये चावल मेरे में अभी तकरीबन हो गए थे बॉयल 70%। चावल हमने 90% बॉयल करने हैं, 10% जब हम दम पे लगाएंगे तो फिर उसे उसमें पक जाएंगे। अगर हम 100% ही उबाइल कर लेंगे तो वो अच्छे से, जैसे कि इनके अलग-अलग दाना होता है ना, वैसे नहीं होगा, वो मिक्स हो जाएंगे। और ये इधर मेरे टमाटर मैंने ऐड कर दिए। टमाटर जब मैं ऐड करूँगी तो इसमें मैं नमक भी डालूँगी। नमक डालने से ये होगा कि टमाटर जो है जल्दी से पक जाएंगे। और साथ ही मैंने पुदीना इसमें छोटा छोटा कट करके डाल दिया। और ये जब थोड़ा सा ब्राउन होगा, प्याज भी और जो टमाटर है वो भी ऐसे से मिक्स हो जाएंगे, फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन मैंने धो के पहले अलहदा से रख लिया हुआ था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। चिकन जब पक जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले वगैरह ऐड करूँगी। चिकन भी मैं तकरीबन 10-20% पकाऊँगी, क्योंकि कौरमा बनना है तो वो इतना इसे पहले फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम पहले कौरमा बनाने के लिए ये करते हैं ना चिकन को फ्राई, वैसे मैं फ्राई नहीं करूँगी इसे। मैं इसी तरह से किया कि टाइम की बचत भी हो जाती है। और अलहदा से पहले चिकन फ्राई करो, उसे निकालो, फिर ग्रेवी बनाओ, इस तरह ये भी बचत हो जाती है। मैं थोड़ा काम वो करती हूँ जो शॉर्टकट और इजी हो, लेकिन टेस्ट भी अच्छा होता है, यानी कि टेस्ट नहीं अच्छा होता। और साथ साथ में ये चीज़ें डिब्बों में डाल रही थी। और आप सब लोग सुनाए, सब कैसे हैं? मेरी अभी इंशाल्लाह वीडियो रूटीन वाइज आया करेंगी, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगी। बस थोड़ा सा शिफ्टिंग के दौरान थोड़ा सा मैं स्क्रैच हुआ हुआ था, जिस वजह से वीडियो वगैरह नहीं थी आ रही। अब मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह मैंने ऐड किए हैं, रेड चिली, क्रश चिली, बिरयानी मसाला, नमक वगैरह, हल्दी वगैरह, जो जो इनके हस्बैंड ज़रूरत था वो मैंने ऐड किया। और इसे अच्छी तरह से 3-4 मिनट भूनूंगी और फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और ये मैंने आलू भाड़े भी इसमें अंदर डाल दिए थे, आलू भाड़े ताकि उसमें पक जाएंगे। कभी तो जब मैं यानी कि दूसरी बिरयानी बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ, तो फिर मैं आलू भाड़ा, जब चावल थोड़े से रह जाते हैं ना पकने वाले, थोड़ा सा पानी रह जाता है, फिर मैं शामिल करती हूँ। लेकिन इसमें मैं इस टाइम पे डालती हूँ। और ये मेरा चिकन जो था वो पक गया था, मैं इसमें से पानी खुश करूँगी ग्रेवी को बिल्कुल अच्छे से खुश करके पानी को, तो फिर मैं इसमें ग्रेवी जो है ना बिरयानी की तह लगा दूँगी। तो आप लोग बताना, अगर मुझे होम टूर चाहिए होगा तो फिर मैं होम टूर दूँगी। और ये नूर मुझे तंग करती, नूर को मैंने साथ बैठाया हुआ था किचन में, चम्मच वगैरह पकड़ कर लगी हुई थी। चावल जो थे वो मेरे हो गए थे, उसके मैंने पानी उतार लिया था, जो पानी था उसका। तो तकरीबन 5 मिनट उसे भी छोड़ देंगे कि उसमें से जो अच्छी तरह से पानी है वो स्ट्रेन हो जाएगा। और ये ग्रेवी भी मेरी रेडी हो गई थी इस टाइम पर, मैंने आके इसमें से हाफ निकाल लिया कि जो दरमियान में जिसकी तार लगाऊँगी, और हाफ मैंने नीचे ही रहने दिया फर्स्ट लेयर के लिए। और फर्स्ट लेयर पहले मैं कौरमा की लगाऊंगी, फिर ऊपर सेकंड चावल की, फिर ऊपर से कौरमा, फिर ये चावल। मेरे जहन में से निकल गया था मैं क्या बोलना था। तो इसी तरह से मैं लेयर्स लगा के, तो फिर इसमें मैं बाकी जो कलर, फूड कलर वगैरह ऐड करूंगी, चीज़ वगैरह ऐड करूंगी। बिरयानी की रेसिपी मेरी पहले भी, और इधर थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया था, जल्दी जल्दी में मुझसे चावल थोड़े से गिर गए थे, क्योंकि टाइम आज बहुत लेट हो गया हुआ था। वैसे तो डेली मैं तकरीबन फाइनल 1 बजे तक खाना पका के फ्री हो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे 3 बज गए हुए थे और मेरा खाना भी रेडी नहीं था हुआ, क्योंकि मैं शिफ्टिंग किया तो कुछ कबर्ड वगैरह भी
सेट करने वाले थे वार्डरोब, वो बच्चों की सेट की, सारे कपड़े वगैरह, उसी में मुझे टाइम लग गया और ये फिर खाना इस वजह से लेट हो गया। और ये स्पीड भी मैंने दस तेज़ की हुई है, वैसे तो ये वीडियो जो थी वो 40 मिनट की थी स्पीड तेज़ कर के कटिंग करके, तो फिर ये 8-10 मिनट की जो वीडियो बनी। और इधर ये मैंने अब मैं चावल को लगा दिया, मैंने दम साथ ही चावल को दम लगाऊंगी तो साथ ही मैं इसमें वो रायता रेडी कर लूँगी, रायता रेडी करके साथ ही मैं डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लूँगी। रायते में मैं खीरा टमाटर प्याज ये सब चीज़ें काट के तो मैं दही में शामिल करके उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लेती हूँ, मुझे क्योंकि मैं बाकी स्पाइसेस वगैरह नहीं रायते में डालती, ब्लैक पेपर या कुछ चाट मसाला वगैरह नहीं डालती क्योंकि बिरयानी में ऑलरेडी बहुत स्पाइसी बनाती हूँ, फिर रायते से होता है कि वो बैलेंस हो जाता है। अगर कुछ जो स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, जो स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते वो फिर इस तरह से ही है कि वो जो स्पाइसीज हैं वो नॉर्मल हो जाती है, बैलेंस कर हो जाती हैं। और ये मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड किया इसकी लुक अच्छी करने के लिए, साथ ही मैं इसमें टमाटर काटूंगी और वो शामिल कर दूंगी। और इधर हो जाएगा मेरा रायता भी रेडी और साथ ही मैं डस्टिंग शुरू कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम नए घर में शिफ्ट हुए थे, हमने इसलिए जानी व्लॉग बनाए थे, यहाँ डेली व्लॉग बनाई है। आपको हमारी कौन सी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करके बताएं। तो ये साथ साथ मैंने डस्टिंग शुरू कर ली थी, रायता मेरा रेडी हो गया था, डस्टिंग शुरू की, फिर अबू वगैरह आया, अबू को खाना दिया, बच्चों को खाना दिया, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो फिर उन्हें मैंने ट्यूशन भेज दिया और बाकी का जो तक काम था वो कंप्लीट हो गया, कर लिया मैंने फिर इसी तरह से। और आप लोग बताएं आप लोगों का सबका कैसा दिन गुजरता है, किस आपकी क्या डेली रूटीन है। मेरा तो बोरिंग गुजरता है सारा दिन, फ्री मेड काम कर जाती है, जो काम करना होता है वो बाकी मैंने सिर्फ सारा दिन, फिर बोरिंग बस खाना बनाना है, खाना यहाँ 1.5 घंटे में बन जाता है और बाकी बस फिर छोटे छोटे बच्चों के काम का भी ये कर लो, कभी कोई शरारत, तो इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। आप लोग सुनाएं आप लोगों का कैसा दिन गुजरता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, कौन सी वीडियो बनाऊँ, होम टूर बनाऊँ या किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। बाकी वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।